व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू न्यू गेम प्ले वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग यार दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA Vice City। तो दोस्तों यार, ये वीडियो इस सीरीज का एपिसोड नंबर 23। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे तैयार है, आप उधर से जाके देख सकते हो। लेकिन यार, जो पिछले वीडियो में हुआ था वो आपको मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था। तो यार गाइस, आपको तो मालूम होगा, हमारा दोस्त यानी मतलब हमारा एक दोस्त है इस गेम में, और उसका नाम तो खैर यार नाम मेरे को नहीं मालूम, हो जाती है ऐसी गलती। और यार वो दोस्त जो है वो हेटियन गैंग से, मतलब इस सिटी में दो बहुत बड़े गैंग है, एक का नाम है हेटियंस जो कि जिसमें मेरा दोस्त है, और वो हेटिंग गैंग में ऑटोमेटिकली मैं भी आ जाता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त का मदद तो मेरे को करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी हेटिंग गैंग में हूँ। और दूसरा है कूबंस जो कि हमारा बहुत बड़ा राइवल गैंग है, तो उस गैंग से हमारी गैंग बहुत ज़्यादा जलती है, पता नहीं क्यों। मैं तो नहीं जलता, मेरे को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त के लिए मैं भी हेटिन गैंग में हूँ। और उस हेटिन गैंग की मालिक जो है वो एक लेडी है, और उसी लेडी ने मेरे को पिछले वीडियो में एक मिशन दिया था। उसने बोला था कि कूबंस गैंग जो कि बहुत बड़ी गैंग है, और वो लोग हमसे बिजनेस में आगे हो चुके थे, मतलब कि वो लोग ड्रग डीलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर रहे थे जिसको हमको जाके तबाह करना था। तो इसलिए हमने पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने उनके बोट को पूरा ब्लास्ट कर लिया था, और जितने भी ड्रग्स और पैसे थे वो सबको चुरा के हमने उस लेडी को वापस दे दिया था, मतलब कि हेटेंस की मालकिन को। और उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके थे। तो क्या है यार, मेरे को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है हेटियन गैंग को ज्वाइन किए हुए, और मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं अब भी जा रहा हूँ उस आंटी के पास बात करने कि हमको हेटियन गैंग को छोड़ना है। तो फटाक से मैं उस आंटी के घर चलता हूँ जो कि हेटियन गैंग के मालिक है, और उससे बात करता हूँ कि हमको ये गैंग छोड़ना है। राइट है गाइस, यहाँ पे हम लोग आंटी के घर पे बस पहुँचने वाले, इसी खंडर में आंटी रहती है। हाँ, वो उनका घर नहीं है पर ये इनका अड्डा है जो कि मतलब काफ़ी सेफ है, पुलिस यहाँ पे कभी आती नहीं और उनको शक नहीं होता। तो यही है आंटी का घर। तो फटाक से मैं आ जाके आंटी से बात करता हूँ, देखते आंटी क्या बोलती है। Wow. Well, I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे आंटी से बात कर ली है और आंटी मान गई है मैं हेटियन गैंग छोड़ सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आंटी ने एक मेरे को मिशन दिया है, मतलब कि उनके हेटियन गैंग के बंदे वो कूबंस गैंग से लड़ रही है अकेले, वो भी बिना किसी हथियार के, तो मेरे को उनकी मदद करना है। आंटी ने मेरे को यहाँ पे स्नाइपर दिया है, और सामने आप देख सकते हो पूरा घमासान युद्ध चल रहा है। मेरे को यार कूबंस गैंग को बंदों को मारना है ताकि वो लोग हमारे बंदों को मार ना पाए। भाई साहब बहुत सारे बंदे, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से बंदे किसके, हमें को दूर से मारना है नहीं तो वो लोग देख के मेरे को मारेंगे। और सबको मारना स्टार्ट करता हूँ। ओके, ओ भाई साहब उधर इनकी गैंग के बंदे यार यहाँ पे गाड़ी से आ गए। ओके, इन सबको यार मेरे को मारना पड़ेगा भाई। ओके ओके भाई, बहुत सारे बंदे भाई यार, इन सबको मैं कैसे मारूंगा। ओके ठीक है ठीक है, अब मैं आप फटाक से इन सबको मारता हूँ। ओके बढ़िया, फाइनली आ गाइस, हमने सबको मार दिया, हमारे हेटेंस गैंग्स यहाँ पे सेफ है, और वो लोग जा रहे हैं जिसके आप लोग देख सकते हो। भाई यार मतलब काफ़ी सारे हमारे भी बंदे मारे गए, लेकिन अब हम लोग यार बिल्कुल सेफ है। और यार इसी के साथ हमारा हेटेंस गैंग का जो संबंध था वो ख़त्म हो चुका है, और अब हम लोग यार मतलब किसी भी गैंग में नहीं है, अब हम लोग खुद पर निर्भर है, हार हम इस सिटी के बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। तो चलो यार गाइस, फिलहाल तो आज की वीडियो के लिए इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं यार गाइस हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।